अपनी बहनों के लिए बहुत फिक्रमंद होता और मेरे इस कंसर्न को बाज़ार वो बहुत गलत रंग देती। देखो बेटा, तुम्हारा कंसर्न अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। हाँ माँ, और वो उसे घर भी बुला रहा है। अरे वाह, तो आज हम अपनी होने वाली बहू को देखेंगे। आज नहीं, वो बताएगा। अच्छा अच्छा भाई, मुबारक हो। अजीम सही, आपको पता है जिरगा बहुत जालिम है। मैंने बहुत कोशिश की कि वो नूरबानों को माफ कर दे। सही, वो तो आप ठीक कह रहे हो सही, मगर सही वो तो पहले ही मर चुकी है। सही, मरी हुई को क्या मारना। अम्मी वो शर्म शर्मीन कह रहे हो? हाँ, अम्मी मुझे समझ में नहीं आया उस लड़की का। पहले तो इतनी फ्रेंडली थी मेरे साथ और आज उसने मुझे एक्नॉलेज तक नहीं किया। ऑफिस का एक लड़का बता रहा था कि वो है ही इसी तरह की। ये भी कोई जिंदगी है? बैंकों में दौलत का ढेर लगा हुआ, चावल के बिजनेस का पैसा आता है, स्टॉक्स का पैसा आता है, सीधा बैंक में जाता है। लानत इसी दौलत पे, जिससे बंदा एक टिक्का एक कबाब खरीद के ना खा सके। दिल जलता है मेरा जब मैं बकरीद पे लोगों को देखती हूँ ना। आप क्या समझते हैं, गोश्त वोश्त का नहीं है मेरा दिल? बात बेबात मुझे पड़ोस में भेज देते सिर्फ इसलिए कि पैसा ना खर्च हो जाए आपका कहीं। तिमी बहन, पैसा कमाना मेरा ख्वाब था। मेरी आंखों ने भी तो ख्वाब देखे थे, टूट गए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो ख्वाब नहीं तो ख्वाहिशात तो पूरी होंगी ना, मेरा भाई करेगा। मगर मेरा भाई तो अपनी दौलत पे सब बन कर बैठ गया। आज मेरी समझ में आया है कि नाजी भाभी आपके साथ क्यों नहीं रह सकी। तिमी बहन, ये इल्ज़ाम लगा रही हो आप। मेरी तो अपनी जिंदगी आप इल्ज़ाम बनी हुई है, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगाऊंगी? इस शहर के तीन पासे समंदर है, इस मल्ले के घर घर की दीवार के पीछे समंदर है, और मैं डरपोक कम हिम्मत उसमें डूबने से डरती हूँ। तिमी बहन, अब बस कर, वरना मैं डूब मरूंगा। आप नहीं डूब सकते, ये जो जहर है ना आपकी जिंदगी में, ये आपको डूबने नहीं देगा और मरने भी नहीं देगा। आंटी ये आप मुझे दें, मैं डस्टिंग करती हूँ, आप जाके आराम करें। अरे बेटा, माँ बाप के लिए तो यही आराम है जब उनके बच्चे अपनी अपनी जिंदगियों में सेटल हो जाते हैं। तुम सोच भी नहीं सकती कि जब से शायान का रिश्ता आया है मैं फिक्रमंद तो ज़रूर हूँ, मगर साथ ही साथ खुश भी हूँ कि कम अज़ कम वो ऐसा लड़का जो तुम्हें चाहता है वो तुम्हें अपना भी रहा है। आंटी आपका घर ही ऐसा है जहाँ बिगड़ते बिगड़ते बात बन जाती है। इस वक्त अगर मैं अपने घर में होती तो मेरे साथ भी वही होता जो महर के साथ हुआ। खैर, यहाँ तो मैं सब कुछ भूल गई हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। थैंक यू आंटी। ये आप दोनों के सेंटिमेंटल सीन कब तक चलते रहेंगे? वो लोग आने वाले होंगे और किचन में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, मुझे पता है। फिर आप लोग मुझसे कहोगे जाओ रे दबी थी, वाहिद भाई की मदद करो, है ना, और खुद ड्राइंग रूम में बैठे रहेंगे। रिदा, तुम अपनी जबान को कंधे पे डालो, उसको कुछ आराम करने दो, बहुत लंबी हो गई है। फिलहाल तो मैंने झाड़न कंधे पे ली भी है और जा रही हूँ लाउंज साफ करने। बाय। आंटी रिदा की शादी हो गई तो आपका घर तो बहुत सुना सुना हो जाएगा। हाँ ये तो है, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि तीनों बेटियाँ और बेटा हमारे इसी शहर में है। लोग तो इतने बड़े बड़े घर बना कर अकेला छोड़ जाते हैं और उसमें बूढ़े माँ बाप ऊपर नीचे अकेले घूमते रहते हैं। यहाँ किसी की औलाद रुकती कहाँ है?
अगर आप जैसा इतना भरपूर घराना मिले तो औलाद क्यों ना रुके। चले आंटी, किचन में चल के काम करते हैं। चलो आप और आपकी सहेली। बिल्कुल। कहाँ चला गया, नजर ही नहीं आ रहा। ये वाह जबरदस्त, तो बहुत अच्छा गाले पिंदा दूँगा। अच्छा इधर आओ बैठो। देखो ये ढूंढ रही थी मैं, ये लड़कियां जो है ना आजकल की उल्टे सीधे फजूल गाने गाती हैं। मुझे उस दिन रिसाला देखते हुए पुराने गाने नजर आए, बरसात फिल्म थी ना, तुम्हारे दादा और मैं बड़े शौक से देख कर आए थे। बाहर निकले तो वहां किताबें मिलती थी, मैंने खरीद ली, पता नहीं कहाँ चली गई। बहरहाल इसमें मुझे वो नजर आए। अच्छा इसको छोड़ें, आप मुझे गाना सुनाएं। अच्छा घास खा गया है क्या बावला, मैं कहाँ गाऊंगी भला। क्यों अभी तो गा रही थी आप, प्लीज दादी माँ सुनाए ना। अरे मैंने तो इन लड़कियों के लिए निकाल के रखे हैं, ये गाएंगी। फिरदा पहले कम शोर करती है, जब उसको किताब और दे देंगी। तो शादी के मौके पे तो शोर ही अच्छा लगता है बेटा। शादी किसकी हो रही दादी माँ? अरे अपनी नूर बानो की और किसकी। शायद तुम्हें कैसा लड़का लगता था? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि तुम लड़के हो और तुम उसे ज्यादा करीब से जानते होगे। मेरे एनालिसिस पे तो ना ही जाओ तो बेहतर है, सारी जिंदगी लोगों को गलत ही जज करता है। अगर तुम शर्मीन की बात कर रहे हो तो हर लड़का कभी ना कभी धोखा खाता ही है, ये समझो कि तुम्हारे तजुर्बे में इजाफा हो गया। शर्मीन की बात नहीं है नूर, शकील तुम। मुझे थोड़ी देर हो रही है, मैं चलता हूँ दादी माँ। अच्छा बेटा खुदा। रिदा बेवकूफ़ी मत करो, इस वक्त किचन में मेरे सिवा या तो वाहिद भाई हो सकते हैं या फिर तुम, और वाहिद भाई इतने चीप नहीं है। ओके सो यू मीन टू से कि मैं चीप हूँ? फाइन अब मैं नहीं बताऊँगी कि अंदर क्या हो रहा है। मैं पूछ भी नहीं रही। अच्छा चलो खुद से बता देती हूँ अंदर क्या हो रहा है। नूर बानो शायान इतना हैंडसम है कि हॉलीवुड का कोई हीरो भी ना हो। अपनी बकवास बंद करो, मैंने उसे देखा हुआ है। अच्छा ये तो मैं भूल ही गई थी, अगर यही बात है तो आप आती क्यों नहीं अंदर? शायद उसकी अम्मी को अच्छा ना लगे। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ ना, अम्मी ने मुझसे कहा था कि आपको और बिलाल भाई को बुला कर लाऊं और मैं यहाँ किन बातों में लग गई। अच्छा लाओ ये ट्रे मुझे दो और आप चलो, मैं बिलाल भाई को भी बुलाती हूँ। बिलाल तो घर में है नहीं। है नहीं है, कहाँ गए? पता नहीं कार की चाबी उठाई और निकल पड़ा। जब मैंने पूछा तो बड़ा अजीब सा जवाब दिया, बहुत उलझा हुआ लग रहा था। बिलाल भाई भी बड़े वियर्ड हैं। चले हम तो चलते हैं। तुम जाओ मैं आती हूँ। ओके चले मैं साथ। अच्छा आप रुक रहे हो तो फिर मैं बनाती हूँ। ओके अम्मी मेरी लॉकर की चाबियां नहीं मिल रही, ऑफिस की किधर है?
भाई तो मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज खाना दे दो। नूर बेटा, तुम बिलाल बेटे के लिए खाना लगा दो और मैं रोटी डाल देता हूँ। भाई भाई तुम मेज पे बैठो, मैं दो मिनट में लाता हूँ। एक्सक्यूज मी। अहमद मैं ये कह रही थी कि मैं समझता हूँ। अब देखिए ना ये क्या बदतमीजी है, लेकिन घर में मेहमान आए बैठे हैं और इस लड़के का कुछ पता नहीं, और मेहमान भी ऐसे कि जो इतने अहम हैं। मुझे तो इस लड़के की कुछ समझ नहीं आती है, उसके दिमाग में कोई कीड़ा घुस गया है क्या? क्या ये नहीं चाहता कि नूरबानो अपने घर में सेटल हो जाए? ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है, और बिलाल इस घर का एक इम्पॉर्टेंट फर्द है। बट आई एम सॉरी। अच्छा तुम तामल से काम लो, मैं फ़ोन करता हूँ उसे, तुम जाओ अंदर। ठीक है, मैं आता हूँ। बेवकूफ़ लड़के, फ़ोन भी बंद किया हुआ है। शादी किसकी करी दादी? मैं अरे अपनी नूर बानो की और किसकी। मेरे दोस्त कब से चाय पे वेट कर। तुमने तुमने सब कुछ क्यों? चाय बना दी है। ना मिले जाता और हाँ। जाने में अगर हमसे कोई गलती हुई है, हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह मेरी अम्मी की तबीयत ठीक कर दे। क्या अपनी ही बेटी को याद करना इतना बड़ा गुनाह है? या मेरे माला, मेरे बाबा साईं के दिल में रहम भर दे, उनको नेक रास्ते पे चला। हमारा क्या कसूर है? हम जिंदा हैं और कब्रिस्तान में रहते हैं। कुर्बानो या मेरे अल्लाह, मेरी दुआ मुझे पानी दे बेटा। कुर्बानो लाती हूँ अम्मा। बेटा हुरबानो। जी बाबा साई। बेटा अम्मा को पानी पिला के तुम मेरे पास आओ। अच्छा बाबा साई।
वापस आई। आओ बेटा बैठो। बाबा साई आओ आओ बैठो। बेटा बेटा तुम आज कॉलेज नहीं गई। बाबा साई मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया है। कॉलेज जाना छोड़ दिया है। बाबा साई एक बात बोलूं? हाँ बोलो। जब हमारी जबानों पे ताला ही लगाना था, हमारी अकल पे पहरे ही बिठाने थे, तो भला हमें पढ़ाया क्यों? तुम लोगों को पढ़ाने का कोई मुझको शौक नहीं था, ये तो तुम्हारी माँ की गलती है। कसम खुदा की मुझको पता होता ना कि तुम पढ़ लिख के ये काम करोगी तो मैं तुमको कब का स्कूल से उठा चुका होता। क्यों बाबा साई? अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, उनका यहाँ पर कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, और फिर कॉलेज जाकर मिलेगा भी क्या? मैंने सोचा कि मैं अम्मा की खिदमत कर लूँ, इसलिए। साई माफ कर दे साई। अरे उसका गुनाह तो इतना बड़ा है कि उसको कारी की सजा भी दूँ ना तो मेरी रूह को सुकून नहीं पहुंचे। ये नहीं समझना कि मैं उसको छोड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। माफ कर दे सही मेरी बच्ची को, वो मासूम फरिश्ता है सही, माफ कर दे। मासूम फरिश्ता? अरे तेरी बेटी, ले आ गई एक और मासूम फरिश्ता तेरी बेटी। अरे मेरे को इसका पता होता ना, इसको पैदा होता ही मैं गले में फंदा डाल के कुएं में लटका देता। बेटा एक काम करो। जी बाबा साई। तुम फोन मिलाकर अपनी माँ की बात नूरबानो से करवा दो। बाबा साई आप? हाँ बेटा चलो। शाबाश बाबा साई। चल मेरे बच्चे, मैं अभी करती हूँ। अमेरिका में जॉब हो गई है और वो मंगनी करते ही चला जाएगा। अच्छा अब तुम जाके अपना काम करो, या कोई और भी खबर है तुम्हारे पास? अच्छा मैं जा रही हूँ। ओके बाय।